हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। आज हम लोग बात करेंगे जो इम्यूनिटी होती है ना हमारी, हम दो चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। एक तो ये कि हमारी इम्यूनिटी क्या होती है, कैसे हम उसको बढ़ा सकते हैं क्या खा के, एंड सेकंड हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट बीमार क्यों होते हैं। आपने देखा होगा या सुना भी होगा, आपके बच्चे तो आपने नोटिस भी किया होगा कि बच्चे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट बीमार होते हैं। एक दिन स्कूल जाते हैं बीमार हो जाते हैं, फिर दो दिन छुट्टी करते हैं, फिर दोबारा बीमार होते हैं। मतलब आप बोलते हो कि थोड़ा सा भी सीजन चेंज होता है, कुछ होता है, हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं, बहुत फ्रीक्वेंट बीमार हो रहे हैं। तो हम इसका रीज़न भी आज जानेंगे। सबसे पहले इम्यूनिटी क्या होती है, देखिए क्या होता है। जैसे हमारी आर्मी होती है ना, हमारी आर्मी क्या करती है, हमारे देश को बचाती है हमारी आर्मी। ऐसे ही इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को बचाता है किन चीज़ों से, जो बाहर के फॉरेन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फॉरेन बॉडीज होती हैं, पोलन्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, बैक्टीरिया हो गए, वायरल इन्फेक्शन हो गए, इनसे हमारी बॉडी को इम्यून सिस्टम बचाती है। अब इम्यून सिस्टम में क्या आता है, इम्यून सिस्टम में हमारा आता है WBC, जिसको हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स, या हम इसको बोल सकते हैं सफ़ेद रक्त कोशिकाएँ, हिंदी में हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करती है, WBCs हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं जो फॉरेन बॉडीज हैं उनके अगेंस्ट, और जो भी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई भी हमारी बॉडी में हो उससे फाइट करती हैं, हमारी बॉडी के लिए, बॉडी को बचाने के लिए उनसे फाइट करती हैं हमारी WBCs। आपने देखा होगा जो हम CBC टेस्ट करवाते हैं उसमें सबसे ऊपर WBC आता है, देन RBC आता है, देन और चीज़ें आती हैं। अब क्या होता है, जो WBCs होते हैं ये हमारे 5 तरह के होते हैं, इसमें बहुत होते हैं, मतलब A5 में भी, इसनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, इस टाइप से ये रहते हैं 5। अब ये क्या होता है, देखिए कि ये क्या करते हैं, आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ को बनाते हैं, एंटीबॉडीज़ जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है किसी भी फॉरेन बॉडी से, तो इनको बचाती एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, मेमोरीज क्रिएट करते हैं। तो क्या होता है, जब फर्स्ट टाइम एंटीबॉडीज़ बनाते हैं तो आपको ठीक होने में थोड़ा टाइम लगता है, नेक्स्ट टाइम मेमोरी क्रिएट हो जाती है। तो क्या होगा कि जब नेक्स्ट टाइम वो दोबारा से सेम ऑर्गेनिज्म, सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपकी बॉडी में अगर आता है तो क्या करेगा, उसके अंदर ऑलरेडी एक मेमोरी क्रिएटेड होगी कि हाँ यार, ये तो इसको तो मैंने पहले भी बचाया है, पहले भी ठीक किया है, तो चलो इसको दोबारा से इससे फाइट करते हैं। तो टाइम पहले से कंपैरेटिवली थोड़ा कम लगता है जब वो मेमोरी क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो बॉडी को बचाते हैं, एंटीबॉडीज क्रिएट करते हैं, एंड मेमोरी बनाते हैं हमारे बॉडी के अंदर कि नेक्स्ट टाइम अगर इन्फेक्शन आए सेम तो वो जल्दी फाइट कर सकेगी उस चीज़ से, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे WBC हमारे किस चीज़ से बने होते हैं, देखा होगा आपने, कोई भी आप चीज़ देखते हो, आप साड़ी लेते हो, सूट लेते हो, कोई भी स्टफ़ लेते हो, आपको पता होता है ये सिल्क का है, ये जॉर्जेट का है, ये कॉटन का है। तो ऐसे WBC होते हैं, वो प्रोटीन से बनते हैं, इनका जो बेस होता है वो प्रोटीन का होता है। अब प्रोटीन में क्या होता है, आपको इसलिए बोलते हैं, आपको आपकी बॉडी को कितना कब ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा, जब आप बहुत अच्छा, आपकी बॉडी के अंदर WBC का लेवल बहुत अच्छा होगा, एंड तभी आपकी WBC अच्छी होंगी तो आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी, नो डाउट, ठीक है। अब WBC के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि उसका बेस प्रोटीन है तो आपको प्रोटीन रिच डाइट लेनी है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप राजमा, छोले, सोया जो होता है ना, वो न्यूट्रिला जिसको हम बोलते हैं, वो आप ले सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन है तो आप अंडे ले सकते हैं, इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन नॉन वेज में, एंड वेज में सोया जो हम न्यूट्रिला यूज़ करते हैं वो बहुत गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। अब ये होता है, इसके साथ जो हमारी WBC का जो बेस प्रोटीन बना है, इसके साथ इन्फोर्स करता है, इसके साथ मिलकर जो साथ में काम करता है वो विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं। विटामिन एंड मिनरल्स हमारे किससे मिलते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल से। अब इसमें हमारे मोस्टली जो हमारे 4 विटामिन काम करते हैं, डेट इज़ A, D, C एंड E। अब ये हमें कैसे मिलेंगे, विटामिन ए मिलेगा आपको कैरेट खाने से, तो कैरेट खाइए, बच्चों को भी कैरेट खिलाइए, खुद भी कैरेट खाइए, उससे आई साइट भी बहुत अच्छी होती है, एंड बहुत अच्छा विटामिन ए आपकी बॉडी के अंदर जाता है। देन उसके बाद हमारा विटामिन सी आपको पता है कि हमारी बॉडी के लिए कितना अच्छा है, कितना ज़्यादा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म हमारा शो करता है विटामिन सी। तो विटामिन सी में आपको क्या करना है, आपको टैबलेट्स नहीं खानी है, लिमसी वगैरह कुछ नहीं लेना है, नॉर्मल कीवी खाइए, ऑरेंज खाइए, है ना, जो भी आपके विटामिन सी के सोर्सेज होते हैं, अभी गुआवा चल रहा है, गुआवा खाइए, तो आप विटामिन सी इनसे ले सकते हैं। विटामिन डी आप सनलाइट से लीजिए, रोज़ दिन में शेड्यूल बनाइए कि आपको सनलाइट में जाना है, सन में बैठना है, चाहे कैसा भी मौसम हो, आपको थोड़ा सनलाइट डायरेक्ट एक्सपोजर, आपको डायरेक्ट जाके डायरेक्ट एक्सपोजर लेना है सनलाइट का अपनी बॉडी में, ठीक है। उसके बाद हमारा जो आता है विटामिन ई हमें जो मिलता है वो नट्स से मिलता है, ड्राई फ्रूट्स, ग्राउंड नट्स, जैसे मूंगफली हो गई, बादाम हो गए, नट्स होते हैं ना जो, तो वो तो अपनी डाइट में नट्स जरूर रखिए, उससे विटामिन ई बहुत अच्छा आपका इंक्रीज होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, WBC का ब्रेस प्रोटीन विद विटामिन एंड मिनरल्स हो गया, मैंने आपको बता दिया कौन कौन से विटामिन किस किस से मिलेंगे, ये 4 ही विटामिन इनमें यूज़ होते हैं। तो आपको इस तरह से अपनी बॉडी को, अगर आप ये प्रॉपर ऐसे आप अपनी डाइट रखेंगे, ऐसे प्रोटीन रिच एंड ये सारे विटामिन रिच, तो नो डाउट आपका WBC बहुत अच्छा बनेगा, एंड WBC बहुत अच्छा बनेगा आपको तो एंटीबॉडीज़ बहुत अच्छी क्रिएट करेगा, एंटीबॉडीज़ बहुत अच्छी क्रिएट करेगा, तो नो डाउट आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम इज़ द
बेस्ट सिस्टम रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो अपने बच्चों को बचपन से ही इन सारी चीज़ों की आदत तो प्रॉपर डालिए। चलिए अब क्या होता है, अब हम दूसरा पार्ट जो बात करते हैं वो हम बात करते हैं कि हमारे बच्चे फ्रीक्वेंटली बीमार क्यों पड़ते हैं। थोड़ा सा भी कुछ हुआ नहीं हुआ बच्चे बीमार होते हैं, तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक जानते हैं। क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी मदर की एंटीबॉडी उसके अंदर आती है, फिर जब वो फीड लेता है, उसकी खुद की कोई एंटीबॉडी नहीं है, उसकी मदर की एंटीबॉडी आती है जब वो बर्थ लेता है। उसके बाद जब वो फीड लेता है, ब्रेस्ट फीड लेता है, तो उसके अंदर मदर की एंटीबॉडीज़ आती है। पर क्या होता है, 9 to 10 मंथ तक वो एंटीबॉडीज़ ऑलमोस्ट फिनिश होने लग जाती है, पर बच्चे को प्रॉपर एक एंटीबॉडी क्रिएटेड बॉडी बनाने में 5 से 6 साल का टाइम लगता है। तो जो 1 ईयर जो उसका एंटीबॉडीज़ कम हो गई से, जब तक उसकी बॉडी फुल्ली एंटीबॉडी कवर्ड बनेगी, तो उस बीच में जो वो 6 साल का गैप है, उसको 1 to 6 ईयर के गैप को हम रिस्क पीरियड कहते हैं। इसमें बच्चे बहुत फ्रीक्वेंट बीमार पड़ते हैं, थोड़ा सा भी सीजन चेंज हुआ बीमार हो गए, दूसरे बच्चों के साथ गए बीमार हो गए, मतलब थोड़ा सा भी उनको एक्सपोजर मिलता है तो वो बीमार हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से ये मैकेनिज्म काम करता है। अब आपको इस चीज़ में कोई टेंशन नहीं लेनी है कि हमारा बच्चा बीमार पड़ता है तो हम क्या करें, थोड़े से प्रिकॉशंस लीजिए, क्योंकि आप बच्चे को तो खेलने से मना नहीं करेंगे एंड मना करना भी नहीं है आपने। एंड बहुत थोड़ी चीज़ ये भी देखी, क्योंकि जब छोटे बच्चे 6 साल से छोटे बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, तो पहले 1 वीक तक डॉक्टर आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, जिससे कि वो सिम्टम्स थोड़े कम हो जाए। एंटीबायोटिक्स आपको जल्दी नहीं देते, क्यों, क्योंकि डॉक्टर भी चाहते हैं कि आपकी बॉडी, आपके बच्चे की बॉडी खुद से फाइट करना सीखे, जितना वो उसका एक्सपोजर हुआ है उसकी WBC फाइट करना सीखेगी, एंटीबॉडीज़ बनाने की कोशिश करेगी, उसको मेमोरी क्रिएट करेगी कि नेक्स्ट टाइम अगर सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म पोलन कुछ भी आता है तो वो फिर से फाइट कर सके। तो इसलिए डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं कि बॉडी को खुद से फाइट करने सीखने देना चाहिए, जिससे कि बच्चे को 6 साल तक बॉडी उसकी काफ़ी हाई इम्यून हो जाए। अब क्या होता है कि इसलिए हम एंटीबायोटिक्स बच्चों को कम देते हैं, अगर आप बाहर से एंटीबायोटिक्स दे देंगे तो बॉडी में एंटीबॉडीज़ नहीं बनेंगी, तो उसकी वजह से फिर बच्चा उतना इम्यून सिस्टम उसका अच्छा नहीं होता, इसलिए अपने बच्चे को नहीं दीजिए। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दीजिए जितना आपसे हो सकता है, ठीक है। अब क्या होता है कि अब बच्चे वो खेलेंगे, बाहर जाएंगे, स्कूल भी जाएंगे, तो कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखिए। जैसे बच्चों का इन्फेक्शन कैसे जाता है, या तो मुंह, नाक और हाथ, 3 चीज़ों से जाता है। वो कहीं पर भी टच करेंगे, उसको मुंह में लगाएंगे या नाक में लगाएंगे, या वो बीमार हो जाएंगे। तो जैसे ही बच्चा खेल के आता है, स्कूल से आता है, सबसे पहले उसका हैंड वॉश कराइए। ये चीज़ें मैं आप बड़ों के लिए भी बता रही हूँ, सिर्फ छोटे बच्चों के लिए नहीं है, ये सेम बड़े लोग भी फॉलो कर सकते हैं। हैंड वॉश करिए, हैंड का प्रॉपर हाइजीन रखिए, क्योंकि हाथ ही आपका मुँह में एंड नाक में जाता है, जिससे आपके पोलस माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन बॉडी के अंदर आते हैं और आपको बीमार करते हैं, ठीक है। इससे आप थोड़ा इन्फेक्शन कम कर सकते हैं। सेकंड होता है कि जब भी मौसम चेंज होता है, जैसे जुलाई अगस्त से लेकर मार्च तक मौसम ठंडा गर्म बहुत ज़्यादा ठंडा ऐसा रहता है, तो बच्चे को गर्म पानी दीजिए दिन में, सुबह तो स्पेशली दीजिए। तो जैसे क्या होता है, जो हमारे सोर थ्रोट होते हैं उनमें क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई हमारे इरिटेंट पोलेंस है या कोई भी इन्फेक्शन है, तो वो उनसे थोड़ा सा इन्फेक्शन उसका कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा बीमार कम पड़ रहता है। जो हमारा 3rd one आता है, उसमें आपको क्या करना है, नोज़ को क्लीन रखना है, गर्म पानी लेना है। बच्चे को जैसे थोड़ा कोल्ड है तो आपको क्या करना है, उसके नोज़ को बार बार क्लीन रखना है, गर्म पानी लेना है, उसमें कपड़ा डालना है और उस गर्म पानी से नाक को बार बार साफ करना है। इससे क्या है, जो आपके नोज़ के आसपास जो लोकल पोलन्स है या लोकल इन्फेक्शन है, लोकल वायरसेस हैं, वो निकलते रहेंगे। तो उसकी वजह से क्या है कि बॉडी के अंदर कम वायरस गए हैं, जिनसे एंटीबॉडीज़ जल्दी फाइट करेगी एंड जल्दी बच्चा रिकवर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें बड़े भी फॉलो कर सकते हैं, छोटे भी फॉलो कर सकते हैं, सबको ये चीज़ फॉलो करनी है। तो मैंने आज आपको बता दिया कि इम्यून सिस्टम क्या है, कैसे वर्क करता है, WBC का क्या स्ट्रक्चर होता है, किस बेसिस पर है, कौन कौन से विटामिन इसमें आते हैं, बच्चा क्यों फ्रीक्वेंट बीमार पड़ता है, उसका क्या बेसिक रीज़न है जो वो इतना ज़्यादा बीमार हो रहा है। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें आज बता दी हैं, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए एंड थोड़ा टाइम दीजिए, बच्चे थोड़े टाइम बाद कवर कर जाते हैं, पर जो मैंने बताया उसकी वजह से आप इनके इन्फेक्शन को इनको थोड़ा सा आप कम कर सकते हैं। तो और बाकी इनको लड़ने दीजिए, बहुत आपको एंटीबायोटिक्स वगैरह अननेसेसरी नहीं देनी है। लेट देम फेस द एक्सटर्नल फॉरेन बॉडीज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कि कल उनकी बॉडी WBC, उनको डाइट अच्छी दीजिए, प्रोटीन रिच डाइट दीजिए, विटामिन दीजिए जो मैंने बताया, उनकी इम्यूनिटी पे वर्क करिए, इंस्टेंट कि आप उनको दवाइयों पे पैसे लगाएं या दवाइयों पे खर्च करें, इम्यूनिटी पे वर्क करेंगे, WBC अच्छे बनेंगे, WBC अच्छे बनेंगे, इम्यून सिस्टम उनका बहुत अच्छा होगा एंड ऑटोमेटिकली उनको कभी भी लाइफ में कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनकी बॉडी खुद ही फाइट कर लेगी। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अगर कोई और चीज़ आपको जानना हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। थैंक यू, बाय बाय।